आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें और यह है एशियन न्यूज़। भारत रत्न संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर हिंडोरिया के राजगढ़ी मैदान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन जागरण विचार मंच के द्वारा अंबेडकर विचार मंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खजरी से माते चंद्रभान, हिंडोरिया से माते अर्जुन सिंह चौधरी मुख्य अतिथि व वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन लॉजिस्टिक के अध्यक्ष राहुल सिंह लोधी विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। यहां मुख्य रूप से राजगढ़ी परिवार के द्वारा अहिरवार समाज के माते मुखियाओं का फूलमालाओं व शॉल श्रीफल भेंट करते हुए सम्मान किया गया। साथ ही सामाजिक समरसता भोज के साथ वक्ताओं ने मंच के माध्यम से दलित शोषित वर्ग के उत्थान को लेकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा बताए सद्मार्ग पर चलने की बात कही। इसमें मुख्य रूप से प्रवेंद्र चंद्रकर, राहुल कुमार, रामेश्वर चौधरी, रत्नेश सुमन, डॉक्टर आलोक अहिरवार, दिलीप अहिरवार, पीजी कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर केपी अहिरवार, आशाराम चौधरी सहित बड़ी संख्या में विभिन्न वर्ग समुदाय के लोगों की मौजूदगी रही। एशियन न्यूज़ के लिए हिंडोरिया से होशियार चक्रवर्ती की रिपोर्ट। तब तक हमें रुकना नहीं है। हमारा माते लिख के गया है, संविधान लेके गया है हमारा माते हमको। हमारा मुखिया अम्बेडकर है, वो हमको लिख के देकर संविधान में गया है कि जो दलित है, जो आदिवासी है, जो पिछड़ा वर्ग है, इनके अधिकार संविधान में सुरक्षित है और इन अधिकारों के लिए हमको इकट्ठे रहना है और अपनी लड़ाई लड़ना है, इसका संकल्प लेना है। आज तक पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और हमारे जिले में कभी अंबेडकर विचार महोत्सव का आयोजन नहीं हुआ। ये पहला आयोजन है और आप सब इस बात को मानिए, इस आयोजन में हमारे गांव के जो अहिरवार समाज का जो हमारा संगठन है उसका बहुत बड़ी भूमिका है। कार्यक्रम हम लोग हर वर्ष इस 16 तारीख को करेंगे और पूरे जिले भर से हमारे जितने माते मुखिया हैं, हमारे भाई हैं, उन सबको हम यहाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की छाया के नीचे एकत्रित करेंगे और उनके विचार को सुनेंगे, उनका अनुसरण करेंगे और अपने जीवन में बदलाव लाएंगे। क्योंकि सबसे पहले तो शिक्षक जो रहती है वो आपकी माँ रहती है और उसके बाद गुरु रहते हैं। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हम सब के गुरु हैं। उनने जो हमें मार्ग दिखाया है वो निश्चित ही प्रगति और विकास का मार्ग है। तो ऐसे गुरु के चरणों में एक बार मैं पुनः नमन करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि बाबा साहब के सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजा के उनका अभिवादन करें।